हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। व्हेन वी कंसीडर एनी फिनोमिना, जब हम लोग कोई ऐसी फिनोमिना को कंसीडर करते हैं और पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल या फिर किसी पार्टिकल की पोजीशन को हम लोग कंसीडर करते हैं किसके द्वारा, बाय वन स्टैटिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड वन डायनामिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब हम लोग कोई फिनोमिना को कंसीडर करते हैं या किसी पार्टिकल की पोजीशन को कंसीडर करते हैं एक स्टैटिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक डायनेमिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के द्वारा, तो जो दोनों हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो बनाएंगे हम लोग दोनों, इनके कोऑर्डिनेट होंगे, तो इनके कोऑर्डिनेट होंगे इनके बीच जो रिलेशन होगा दोनों के अलग अलग, क्योंकि हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक स्टैटिक माना हमने और एक डायनेमिक, तो जो रिलेशन इनके बीच होगा उसे हम लोग बोलेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। रिलेशन बिटवीन दीज कोऑर्डिनेट्स इज नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। लेट कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बात कर चुके हैं, मान लेते हैं, एक मान लेते हैं एस और एक एस डैश मान लेते हैं। टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश आर कंसाइड, दोनों एक दूसरे पर कब रहेंगे, जब टी इज इक्वल टू जीरो था। एंड लेट एस इज रिमेंस स्टैटिक, एस वाला जो है स्टैटिक है, वो मूव नहीं कर रहा है, और जो हमारा फ्रेम एस डैश है उसे हम लोग डायनेमिक मान देते हैं, वो मूव कर रहा है विद कॉन्स्टेंट स्पीड वी। जो डायनेमिक हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है, मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से, कॉन्स्टेंट स्पीड वी से। किस तरफ मूव कर रहा है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, लेकिन एक्स एक्सिस पे किधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। वी हैव टू डिटरमाइन ए रिलेशन, हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है करेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स के बीच। फिगर में देखते हैं, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है, स्टैटिक है। टी समय पश्चात यहाँ पर एस डैश भी था, टी समय पश्चात एस डैश यहाँ से मूव कर गए, यहाँ पहुँच गया, तो क्योंकि इसका जो स्पीड है वी है और इसके बीच में जो समय लगा है वो टी लगा है, तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, वी टी, चाल बराबर दूरी बटे समय से लगा है। इस पूरे डिस्टेंस को अगर हम लोग x मान लें तो ये हमारा x डैश होगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा कि x बराबर हो जाएगा x डैश प्लस vt के, x बराबर x डैश प्लस vt के। यहाँ से x डैश फाइंड करेंगे, x डैश बराबर हो जाएगा x माइनस का vt हो जाएगा, y डैश बराबर y होता है, z डैश बराबर z होता है, t डैश बराबर t होता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से। ये सब कहाँ से आया, तो हम लोग यहाँ कोऑर्डिनेट मानते हैं, ये कोई बिंदु जो हमारा पार्टिकल है कोई P है, अगर S से इस जो P बिंदु है इसके कोऑर्डिनेट देखे जाए तो x, y, z, t है, लेकिन S डैश से देखा जाए तो इसके बिंदु x डैश, y डैश, z डैश, t डैश है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि y डैश बराबर y होना चाहिए, z डैश बराबर z, t डैश बराबर t, तो इन्हें हम बोलेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और इनके बीच जो रिलेशन होगा उसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एसेलरेशन, वेलोसिटी और एसेलरेशन के जो हम लोग डिटरमाइन करेंगे, यहीं से निकालेंगे, x डैश बराबर क्या था, x माइनस वी टी, तो टी डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश बराबर डी एक्स बाई डी टी डैश माइनस वी, क्योंकि टी बराबर टी डैश था तो डी टी बराबर डी टी डैश हो जाएगा यहाँ से, तो वही आएगा, तो डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश बराबर डी एक्स बाई डी टी माइनस वी, यहाँ से हो जाएगा यू डैश बराबर यू माइनस वी। यू डैश क्या है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट है फ्रेम एस डैश पे, ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट की है किस पे, फ्रेम एस डैश पे, ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट है, दोनों पॉइंट की है यू वाली, ये फ्रेम एस पे है। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एस डैश, यू डैश बराबर है यू माइनस वी, यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी डैश तो क्या मिलेगा, डी यू डैश अपॉन डी टी डैश बराबर डी यू बाई डी टी डैश, इसमें तो टी है ही नहीं तो जीरो हो जाएगा इसका, डी टी डैश बराबर डी टी के हम लोग देख चुके हैं क्योंकि टी बराबर टी डैश के होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से। ए डैश बराबर किसके हो जाएगा, ए के, एक्सीलरेशन है ये हमारा। अकॉर्डिंग टू द एबव एक्सप्लेनेशन, इस एक्सप्लेनेशन से क्या क्लियर है, इट इज़ क्लियर दैट एक्सीलरेशन इज, एक्सीलरेशन ये ए डैश किसका है, फ्रेम एस डैश का, और ए किसका है, फ्रेम एस का, तो एक्सीलरेशन इज इनवेरिएंट, दोनों का सेम है ड्यूरिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा जो हमारे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं इनके एक्सीलरेशन जो होते हैं इनवेरिएंट होते हैं।